मैंने सोचा सच में मोदी जी खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। हे भगवान क्या फोटो बना रखा है सच। तो देखो हम आ चुके हैं यहाँ पे, बच्चों की फौज है जो कि कर रही है मौज है। और ये देखो कैसे कोई खुजा, हेलो हेलो कर रहा है, हेलो कैसे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। सौरभ जोशी का भाई है सूरज जोशी, सौरभ जोशी का भाई सूरज जोशी, सौरभ जोशी जो ब्लॉग वाला है ना, ब्लॉगर जो है उसका भाई है, इसका नाम है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग सभी को राम राम। तो मैं बता दूं सुबह के बज गए हैं 4 और मैं जा रहा हूं मंदिर, क्योंकि अभी आज थोड़ा जल्दी उठ गया, मंदिर में जाके आरती करनी है। तो अभी मैं जा रहा हूं मंदिर और अभी सुनसान है बिल्कुल रोड। आज वैसे संडे का दिन है, कोई उठता नहीं सुबह सुबह, तो अभी कोई भी नहीं है सड़कों पर, एक कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा भाई ठंड में। तो सुनसान है एकदम चारों तरफ। मंदिर में भजन चल रहा है, भजन चल रहा। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं आया हूँ मंदिर में, और मैंने कर लिया है पूजा भी और जल चढ़ा लिया भगवान जी को, और मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहे हैं गुरुजी, हम भी सेवा कर लिए मंदिर में, और अब थोड़ा जा रहे हैं चाय वाय पियेंगे क्योंकि। तो दोस्तों आज सुबह सुबह 6 बजे हैं और सारा पूजा पाठ हो गया, आनंद आ गया सुबह सुबह मंदिर में। और इतना सवेरे आज बहुत दिन बाद, मैं सुबह आज 4:30 बजे उठ गया था, 5 बजे नहा लिया था, मंदिर आ गया था और सारा हो गया मेरा काम। और अब देखता हूँ जा रहा हूँ घर, थोड़ा चाय पानी पीता हूँ, चलते हैं। तो जा रहे हैं चाय पानी पीते हैं और जाएंगे घर। और ये लाइट लगी है क्योंकि शादी है घर में, इसे लाइट लगी है, शादी है। मैं अब जा रहा हूँ घर, आज वैसे संडे है और संडे के दिन बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चों स्कूल जाना नहीं है। तो अब जा रहा हूँ घर, आराम से पीऊँगा मस्त वाली चाय, उसके बाद थोड़ी से एक आध घंटे बाद आऊँगा, फिर शॉप खोलूँगा और मंदिर में भोग लगाना है, तो भोग भी आके लगाऊँगा 1 घंटे बाद ही। अभी गेट खुला नहीं है, अभी अंधेरा ही है, जो बाउंड्री का गेट है जहाँ मैं गार्डन में जाता हूँ वहाँ का गेट अभी तक बंद ही है, वो खुलता है 7 बजे। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो दोस्तों तो मैं आ गया हूँ गार्डन में, और इधर सब में लाइटें लग रही है क्योंकि यहाँ शादी है 5-6 दिन बाद, तो सब में डेकोरेशन हो रहा है, लाइटें लग रही है, और इधर टेंट वगैरह भी लगेगा। तो और ये देखो लग रहा है सुबह सुबह किसी का गाय यहाँ खुल के आ गया है, और भूखी है बेचारी गाय, सूखी चारा खा रही है, सूखे हुए घास भी खा रही है। तो किसी की गाय खुल के आ गई है यहाँ पे ग्राउंड में, और इधर बहुत भूखी है बेचारी, घास खा रही है। तो भाई गाय पालते हैं लोग लेकिन ध्यान नहीं देते हैं बेचारे को खिलाने पे, पेट बिल्कुल चिपका पड़ा बेचारी गाय का। और ये गार्डन है, ये सेब का पेड़ है, ये चीकू का पेड़ है, पहले भी दिखाया था मैंने, और ये भी चीकू है। और इधर पूरा ग्राउंड है, और ये सूर्य नारायण भगवान आ चुके हैं साक्षात। फूल माला चढ़ाता हूँ और धूप जलाता हूँ इधर देवता पे, और फिर जा रहा हूँ। अब शॉप खोलने का समय हो चुका है, बजने वाले हैं 8:30। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया, उसके बाद भी मैंने 8:30 बजा दिया क्योंकि ठंड में थोड़ा मन नहीं करता कुछ और करने का। तो आज वैसे भी संडे है तो थोड़ा लेट ही शॉप खोलता हूँ, क्योंकि आज थोड़े बच्चे लेट उठते हैं ना, सबकी छुट्टी रहती है। तो जा रहा हूँ अब शॉप खोलूँगा, मेरा हो गया इधर का काम, शॉप मैंने खोल दिया। मौसम थोड़ा आज ख़राब है और दूध भी मेरा आ चुका है, और अब मैं दूध लगा रहा हूँ और चिप्स वगैरह को बाहर टाक रहा हूँ, और फटाफट से करता हूँ दुकान की सफाई, और उसके बाद फिर धूप जलाएंगे, उसके बाद थोड़े से बैठेंगे दुकान पे, और उसके बाद देखेंगे और आएगा काम। और पहले चाय लेके आया हूँ, दोबारा चाय लाया हूँ अंदर से, तो चाय पीता हूँ और दूध लगाता हूँ। तो वैसे दूध ख़राब होगा नहीं क्योंकि अब तो ठंड आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर भी पड़ा रहेगा दूध। तो तो दोस्तों हम खेल रहे थे क्रिकेट,
और अमन कर रहा था बैटिंग, मैं कर रहा था बॉलिंग। अमन 10 ओवर आउट हो गया और अमन ने शॉट मारा, बॉल ऊपर पहुंचा दिया। सीढ़ी वीढ़ी है नहीं लाने के लिए। अब इसकी फेस देखो कैसा हो रहा है, फेस देखो इसका कैसा बना रहा है, खुद मार के खुद ही देखो फेस कैसा बना रहा है। अगर अभी मैं मार देता ना भाई साहब, बल्ला बल्ला पटक पटक के भागता, ये तोड़ फोड़ देता अभी बल्ला अगर मैं मारता ऊपर तो। खुद मार दिया टच करा, ही देखिए क्या देख रहा हूँ, मार के शॉट मारेगा, शॉट लग नहीं रही, आँख मंद को मार रहा, ऊपर पहुँचा दिया, वो मंदिर को ऊपर पहुँचा दिया, ऊपर पहुँचा दिया, वहाँ सीढ़ी है नहीं लेने के लिए। अब बोला खेल लो, चलो आवाज आप जाओ पढ़ाई करो, बाद में उतारेंगे तो खेल। अब कैसे उतारो वहाँ से, अब नौटंकी फिर से चालू हो इसका। भैया मैं तो जा रहा हूँ अपना जो धोने, क्योंकि मेरा अभी मंदिर में बहुत काम है, तो मैं जा रहा हूँ फटाफट से अपना भगवान जी को नहलाना, अभी फूल उठाना है, माला उठाना है, अभी जो धोना है, सारे काम पड़े मंदिर के, तो फटाफट से पहले करता हूँ काम, उसके बाद देखूंगा गेम और या इसको खिलाऊंगा या फिर इसको पढ़ाना भी है, इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, तो मैं चलता हूँ, पहले जाता हूँ अपना करने काम। ऋषभ को घूमना था पार्क में, तो हम आए ऋषभ को लेके यहाँ पे गार्डन में घुमाने। रो रहा था गार्डन में घूमने के लिए और है कोई नहीं, इसने सोचा कोई बच्चा खेल रहा होगा उसके साथ खेलूंगा, यहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं, बेचारा आके डोल के अब जा रहा है मायूस होके, कोई है नहीं। और इधर बन रही है गाय की डेयरी, इधर की डेयरी टूट गई, पुरानी हो गई थी, नई डेयरी बन रही है और गाय माता यहाँ बैठी हैं, खड़ी है और देख रही है हमें, ये रही गाय, गाय में देख रही है, और ये गाय, और ये नई डेयरी बन रही है, ये नई डेयरी बन रही है गाय के लिए। देखो ये देखो ये देखो, ये आ गई इस खेलने के लिए, परेशान था जब से, और ये देख मिल गया उसका, अब उसके साथ खेलेगा, इसीलिए जब से परेशान था खेलने के लिए शैतान। ये दोनों आपस में लड़ते नहीं है ना, नहीं मारता, इसलिए इसके साथ खेलता है, और बड़ों के साथ नहीं खेलता क्योंकि वो पिटाई कर देता ना मनोमन। अब उधर कहाँ जा रहे हो, उधर देख, उधर चिनाई विनाड़ी चोट लग जाएगी, उधर से गिर जाओगे, उधर ईंट है पैर में चोट लग जाएगी, चलो जाओ। ये देखो भाग लिया, भाग लिया, भाग लिया, ओ कितनी खुशी हो गई, जब से तो मुँह फुला रखा था खुश हो गया, भाग लिया। हम भी जा रहे लंच करने, अब लंच का हो गया समय, बज गया 3 और मैं जा रहा हूँ घर लंच करने, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेके आऊँगा सामान, एक लाना है अचार का डिब्बा और थोड़े से राशन के सामान लाने हैं, थोड़े से बिस्किट खत्म हो गए, बिस्किट लेके आने हैं, तो अब मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता, और अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मैं बहका रहा हूँ, जैसे आ गया तो चला जाएगा, नहीं तो छोड़ के जाना पड़ेगा, और चोट लग जाएगी उधर। इधर बन रहा है डेयरी, और ये पहाड़ पहाड़ बैठा है, सौरभ जोशी का भाई है, सौरभ जोशी का भाई है, सूरज जोशी, सौरभ जोशी का भाई, सूरज जोशी, सौरभ जोशी जो ब्लॉग वाला है ना, ब्लॉगर जो है उसका भाई है, इसका नाम है सूरज जोशी, ये भी उत्तराखंड का वहीं का है, उसके घर के बगल का, उसके चाचा ताऊ का लड़का है, सच में आपको विश्वास नहीं होता, अभी मैं इससे डिटेल पूछ के दिखाऊंगा, अभी अभी दिखाऊंगा। मेट्रो स्टेशन, एक छोटा सा बच्चा आया है, इस बच्चे को रास्ता देखा हुआ नहीं है, तो इसको ये नहीं, ये तो मन है, सबको पता ही है मन है, ये छोटा सा बच्चा है एक, ये देखो सामने देखो, बेचारा थोड़ा बहरा भी हो गया, ये कान में ईयरफोन लगा के रखता है, सुनाई भी नहीं दे रहा अगले को, तो अब इसको मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन छोड़ के आता हूँ, बहुत देर से बहुत देर से किलस रहा है मेरे को, तो इसको मैं छोड़ के आता हूँ, बेचारा अपने बहन से थोड़ा मिल रहा है, गले वाले मिल ले भाई, रो लो थोड़े थोड़े से रो लो, भाई बहन है दोनों, रो लो देखो चिढ़ रहा है। तो इसको मैं छोड़ने जाऊँगा ना, अलग को कहीं और छोड़ के आऊँगा इसको मैं, ऐसे जोड़ के पैसा लियो इससे। तो गाइस देखो ये जाएगा 5 दिन बाद, अब पहले से ही थैला भर लिया है दुकान में, ये देखो चिप्स ही भर लिया है, बिस्किट भर लिया, नमकीन भर लिया, बेचारे ने पहली बार देखा है ना, पहले कभी देखा ही नहीं है, क्या करे बेचारा, पहली बार मिला है तो सोच रहा भर लो। अभी जा रहा हूँ मैं मेट्रो स्टेशन और सेक्टर 59 और इनको छोड़ के आ रहा हूँ, ये रिश्तेदार है, लेकिन मैं मजाक कर रहा था, अरे कुछ नहीं है, बस थोड़ा चिढ़ा रहा था, चिढ़ता है इसलिए, इस बच्चे को चिढ़ा रहा था, भाई बहन दोनों मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इमोशनल मत होना भाई, इमोशनल मत होना, मेरे सामने इमोशनल नहीं होता कोई भी, रो मत, बेचारा रो रहा है, आ गया एक, अभी इसको अभी भेजता है इसके मालिक के पास, हेलो कर रहा है, हेलो कैसे हैं, ठीक है, मैं लग रहा मोदी जी खड़ा, ऐसा लग रहा ना, मैंने सोचा सच में मोदी जी खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। हे भगवान क्या फोटो बना रखा है, सच एक बार तो झटके में लगा मुझे कि मोदी जी खड़े हैं। पेट्रोल हो गया खत्म, पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है, अब पैसा इससे ही लूँगा, भैया पैसा दे दियो पेट्रोल का, 500 रुपये फटाफट, 500 रुपये लगे, 500 दे दियो। तो हम आ चुके हैं 59 मेट्रो स्टेशन,
अब यहाँ पे ड्रॉप कर दिए, अब जा रहे हैं घर। तो चल रहे फटाफट से घर, अभी मैंने दिया नहीं जलाया, मंदिर में जाना अभी। बहुत भीड़ है भाई, संडे है लेकिन भीड़ है, यहाँ पे भीड़ है। रास्ते में तो भीड़ नहीं था, इधर भीड़ है थोड़ा सा। नोएडा, तो अब मैंने ड्रॉप कर दिया, अब घर जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा चल दिया भाई, भीड़ तो मेट्रो स्टेशन है। तो हम सेक्टर 59 आए थे, मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया, जा रहे हैं घर। और इस पर जा रहे हैं मंदिर, और जा रहा हूँ जोत जलाने फटाफट से। तो मैं जा रहा हूँ अब जोत जला के आता हूँ जल्दी से देवता पे, लेट हो गया हूँ मैं थोड़ा, गया था। तो इधर हो चुका है रात, अंधेरा, और मैं आ गया हूँ संध्या दिया जलाने। और मैं अभी भगवान जी को दिया जलाता हूँ इधर, देवता को, उसके बाद चलते हैं और देखते हैं काम। तो देखो हम आ चुके हैं, यहाँ पे बच्चों की फौज है जो कि कर रही है मौज है। और ये देखो कैसे कोई खुजा रहा है, कोई सिर बजा रहा है। इन बच्चों की खो गई है बॉल, और ये बच्चे हैं परेशान, मेरे को कह रहे बॉल दे दो। मैंने बोला बाहर पानी में धुलाई हुई है, तो बाहर क्या खेलेंगे। और देखो नाच भी रहा है, ये देखो कितने खुश है, नाइस। ये देखो मस्ती कर रहे हैं बच्चे, और ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मस्त मस्त मस्त, क्या बात है। ओहो बल्ले बल्ले, तो ये बच्चे खुशी से डांस कर रहे हैं। मैंने वीडियो बनाया, वीडियो खुलते ही बच्चे डांस करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो शैतानी देखो। तो बाय बच्चों, बाय बच्चों, बाय।